नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है। और अब खबरों को देते हैं विस्तार। भाजपा की ग्वालियर महानगर इकाई द्वारा रविवार को भारत के संविधान निर्माता, चिंतक, समाज सुधारक बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर अंबेडकर पार्क फूलबाग में स्थित संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर महापौर एवं ग्वालियर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी विवेक नारायण सेजबलकर, जिलाध्यक्ष देवेश शर्मा सहित तमाम भाजपा नेतागण मौजूद रहे और अंबेडकर द्वारा देश हित में किए गए कार्य को याद किया। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हम सारे ग्वालियर के कार्यकर्ता, ग्वालियर के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर जी ने दलितों के उत्थान के लिए, दबे कुचले पिछड़े गरीब तबके के उत्थान के लिए संघर्ष किया और उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि आज इस देश के अंदर जितने भी योजनाएं, जितने भी काम इस वर्ग के उत्थान के लिए हो रहे हैं उसके पीछे, सबके पीछे डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रेरणा है। फिर भी अभी मेरा मानना है कि उनका सपना अधूरा है। जब तक अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास के फल नहीं पहुंचते तब तक मेरा मानना है कि हम संघर्ष करते रहेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी देश की आज़ादी के बाद देश में जो संविधान बना, संविधान के निर्माता हैं। आज हम खुले में जो सांस ले पा रहे हैं, पूरा देश संविधान के दायरे में चल रहा है, बाबा साहब की देन है। अभी एक गीत बज रहा था, उस गीत को सुनना था कि बाबा साहब ना होते तो चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। ये संविधान का ही कमाल है, बाबा साहब का ही कमाल है कि आज चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की ओर से मैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हैं हम सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की। मेरी ओर से और भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब अंबेडकर के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित। अंबेडकर जयंती पर कांग्रेस नेताओं ने फूलबाग स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचकर संविधान निर्माता बाबा साहेब को माल्यार्पण किया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने, हालांकि बाबा साहेब ने समाज में बराबरी लाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया और उनके बताए आदेशों पर चलकर कांग्रेस ने देश को आगे बढ़ाया, बाबा साहेब सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने देश में व्याप्त जाति धर्म की खाई पाट कर सबको बराबर पर लाकर देश को आगे बढ़ाने का मंत्र दिया। अंबेडकर जयंती पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग सब एकत्रित हुए हैं, कांग्रेस के सारे लोग, और जो जिस तरह मनाते आए हैं अंबेडकर जयंती, पुष्प अर्पित करके और मिष्ठान वितरण करके, तो सुबह 9 बजे का कार्यक्रम था जो हम सब लोग इकट्ठे हो गए, हमने अंबेडकर जी को याद किया है, उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया है। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में शहर में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा बाबा साहेब को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी व दलित शोषण मुक्त मंच ने अंबेडकर जयंती को संविधान बचाओ संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए मानस भवन फूलबाग में सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में किसान सभा के राष्ट्रीय सचिव बादल सरोज सहित तमाम माकपा नेताओं द्वारा संबोधन किया गया और बाबा साहेब द्वारा भारतीय समाज की आधुनिक परिकल्पना पर चर्चा की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 128वीं जयंती पर आज यहां पर इसके सेमिनार हो रहा है और जिस तरीके का वातावरण इस जिले में बनाया गया है, पिछले 2 अक्टूबर को यहाँ ग्वालियर ज़िले में 3 दलित नौजवानों की हत्या कर दी गई गोली मार के, और उसके बाद से इस बार भी 2 अप्रैल को उनको श्रद्धांजलि देने से रोका गया, और आज भी जिस तरीके से हमारे शहर के एसपी और पुलिस प्रशासन के बयान आ रहे हैं कि हम ये नहीं करने देंगे, उपद्रव नहीं करने देंगे, इस तरीके की जो धमकियाँ आ रही हैं, इस तरीके का लगता है कि ये पूरा का पूरा प्रशासन दलित विरोधी मानसिकता से काम कर रहा है। जबकि हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से मानस भवन में एक विचार गोष्ठी कर रहे हैं और इसका मकसद ये है कि संविधान पर जिस तरीके से सरकारें छेड़छाड़ कर रही हैं, खासतौर से केंद्र की सरकार छेड़छाड़ कर रही है, उसके खिलाफ एकजुट किया जा सके लोगों को और संविधान को जिस तरीके से मनु के संविधान में बदलने की कोशिश की जा रही है उस। अंबेडकर जयंती पर रविवार को कोई अप्रिय स्थिति ना बने इसके लिए शहर में सभी अंबेडकर प्रतिमाओं व पार्कों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। शहर में 400 पुलिसकर्मी और 4 DSP पुलिस व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किए गए। साथ ही शहर के सभी थाना प्रभारी व DSP थानों के बल के साथ अलर्ट पर रहे।
गौरतलब है कि अम्बेडकर जयंती के कार्यक्रम के लिए सभी आयोजकों को मंजूरी दी गई है, लेकिन शांति सौहार्द बिगाड़ने का कोई षड्यंत्र व अफवाहें नहीं फैले इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। इसके चलते अम्बेडकर जयंती पर शहर में सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। थाटीपुर क्षेत्र में सुरक्षा के लिए 25 फिक्स पिकेट बनाए गए हैं, 6 गश्ती दल बनाए गए हैं। सभी गश्ती दल वीडियो कैमरे से रिकॉर्डिंग भी करेंगे। अम्बेडकर पार्क फूलबाग पर भी अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। यहाँ 3 थाना प्रभारी है, मेरे अलावा उन थानों का बल है इंदरगंज का तजुरुस के साथ है, पड़ाव जनकगंज और कुतवाली गटिया साहबा, क्राइम ब्रांच के भी सिविल प्लान क्लॉथ में भी है अधिकारी, वो स्टैंड 2 में फूलबाग पे भी रखा है। करीब जो है 60-70 का बल जो है लेंट में यहाँ है, वो अंदर पार्क में है और रोड व्यवस्था में भी और पिछवाड़े साइड में भी भंडारा वगैरह की व्यवस्था है मंदिर पे, गोपाल मंदिर पे, तो वहाँ व्यवस्था की गई है ताकि सभी शांतिपूर्वक जो है अम्बेडकर जयंती मना सकें। और माल्यार्पण चल रहा है जैसा आप देख रहे हैं, शांतिपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से पंक्तिबद्ध होकर सभी जो है माल्यार्पण यहाँ कर रहे हैं। केंद्र में सत्ता पाने के लिए एक एक सीट की जंग में कांग्रेस ने ग्वालियर से एक बार फिर अशोक सिंह पर ही भरोसा किया है। अशोक सिंह पिछले एक माह से दिल्ली भोपाल में डेरा जमाए थे और कांग्रेस नेताओं को मनाने में जुटे थे और शुक्रवार को गुना से मौजूदा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुना टिकट तय होने से काफ़ी हद तक ग्वालियर की तस्वीर साफ हो गई। शनिवार को दिल्ली में फिर वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई और अशोक सिंह को मैदान में उतारा दिया। ग्वालियर में अशोक सिंह का यह लगातार 4th चुनाव है। पिछले 3 चुनाव काफी कम मतों से हारने के कारण पार्टी का उन पर भरोसा बना हुआ है, क्योंकि इस बार पार्टी गुटबाजी से ऊपर उठकर सत्ता पाने को आतुर नजर आ रही है। टिकट की घोषणा के समय अशोक सिंह दिल्ली में ही थे और सूची आते ही ग्वालियर में आतिशबाजी और मिष्ठान वितरण का दौर चल निकला, जिसके बाद रात में दिल्ली से लौटने पर अशोक सिंह के घर समर्थकों की भीड़ जुट गई। अशोक सिंह का कहना है कि वरिष्ठ नेतृत्व ने भरोसा जताया है, यह चुनाव भी कार्यकर्ता ही लड़ेगा, सभी वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से चुनाव जीतेंगे और ग्वालियर की जनता को न्याय दिलाएंगे। देर और उसका सवाल नहीं है, मुझे कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, उसके लिए मैं पूरी पार्टी का आभारी हूँ। नहीं, मेरी मैं जो जिन मुद्दों पे हम लगातार चुनाव लड़ते हैं वो हम कांग्रेस की नीति रीति और ग्वालियर के विकास को लेकर लड़ते हैं, उसमें व्यक्तिगत मामला कभी रहा नहीं है। आदरणीय सेजवाकर साहब को भी मैं मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, मैं ऐसी कोई बात नहीं है, व्यक्तिगत लड़ाई कभी पार्टी में किसी, हम रीति और नीतियों पे अपनी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ग्वालियर के विकास को लेके है। ग्वालियर की जो समस्याएं हैं वो लगातार पिछले 15 सालों में नहीं दूर हुई हैं और उसमें जो विकास नहीं हुए हैं उनको कराने का मैं प्रयास करूँगा और जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करेंगे, जनता की अपेक्षाएं क्या है उसको पूरा करने का प्रयास। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने शनिवार को मध्य प्रदेश की ग्वालियर, भिंड और धार सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने भिंड से भाजपा की सांध्या राय के मुकाबले देवाशीष जरारिया को उतारा है। हालांकि यह नाम काफी पहले से तय था। प्रदेश में कांग्रेस 28 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, सिर्फ इंदौर लोकसभा सीट पर ही पेच फंसा हुआ है। भिंड से देवाशीष जरारिया सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, JNU के छात्र भी रहे हैं, वे विधानसभा चुनाव के पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए। CM कमलनाथ का उन्हें समर्थक प्राप्त था और उनके नाम को केंद्रीय चुनाव समिति से पहले ही मंजूरी मिल चुकी थी। इस सीट से मुरैना से पूर्व सांसद रह चुके बारेलाल जाटव के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन पार्टी ने युवा चेहरे को तरजीह दी और देर रात टिकट की घोषणा के बाद ग्वालियर के डुल्लपुर स्थित उनके निवास पर समर्थकों ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद देवाशीष ने पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित किया। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय राहुल गांधी जी, श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ जी, दीपक बावरिया जी, दिग्विजय सिंह जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी और तमाम विधायक जो हैं, सबके सहयोग से मेरा टिकट हो पाया है और पूरे देश में सबसे यंगेस्ट टिकट मेरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक नया मैसेज देने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है कि जो जिस तरीके की ट्रेडिशनल राजनीति होती आई है देश में, उस राजनीति के स्वरूप को बदलने का प्रयास भिंड जिले से किया जा रहा है, तो काफ़ी पॉजिटिव है। चैलेंजेस हैं,
पर अब मैं प्रयास करूंगा कि अगर मुझे 12 घंटे अगर चैलेंज को फेस करने के लिए तो मैं 14 घंटे दूंगा, 14 घंटे लगेंगे तो 16 घंटे दूंगा, 16 घंटे लगेंगे तो 18 घंटे दूंगा। देवाशीष का कहना है कि भिंड जिले में पलायन की समस्या सबसे बड़ी समस्या है और वे इसे दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए मेरे हिसाब से भिंड में जो सबसे बड़ी समस्या है वो पलायन की है। छोटी से छोटी चीज़ के लिए भिंड का व्यक्ति दूसरे शहरों की तरफ, महानगरों की तरफ देखता है। अच्छा स्कूल नहीं है, अच्छा कॉलेज नहीं है, रोज़गार नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं और मास्टर प्लान भिंड के लिए आज तक कोई बना नहीं। तो हम प्रयास करेंगे कि अब मुझे मौका मिला तो मैं पूरी तरीके से, जब 5 साल मुझे मिलेंगे तो मैं पूरी तरह से ध्यान इसकी ओर केंद्रित करूँगा ताकि अगली बार जब चुनाव में जाएंगे तो इच्छा हो के भिंड 2019 के जब चुनाव में जब मेरे पास जब भिंड आया था, जब भिंड के लोगों ने मुझे अपना प्यार दिया था तब ऐसा था और 2024 चुनाव में भिंड ऐसा है। RTO प्रशासन द्वारा शहर में मैजिक वाहन चालकों एवं ओवरलोड ऑटो चालकों के खिलाफ की जा रही लगातार कार्रवाई के चलते रविवार को वाहन यूनियन और जिला प्रशासन के बीच एक आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई, जहाँ कलेक्टर अनुराग चौधरी, SP नवनीत भसीन, RTO MP शर्मा सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन यहां बैठक में दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति न हो पाने के कारण स्कूल ऑटो एवं मैजिक मारुति वैन चालकों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। आज वैन एसोसिएशन वालों ने कई मुद्दे रखे हैं लेकिन जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है जो माननीय हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के तारतम्य ही कार्रवाई की जाएगी और अगर आपको कोई भी अगर अप्लीकेशन है तो माननीय हाईकोर्ट के सामने आप अपना रिप्रेजेंटेशन रखें। जो अब हाईकोर्ट के जो भी दिशा निर्देश दिए हैं वो RTO को और पुलिस को बताए गए हैं और बच्चों की सुरक्षा के हित में जो भी कदम उठाए जाएंगे वो उठाए जाएंगे और इनको भी बोला गया अगर इनका कोई जेन्यून पॉइंट है तो हाईकोर्ट के सामने रेज करें। जो जिला प्रशासन के साथ हमारी बैठक हुई है वो स्कूल में जो हमारे ग्वालियर में मारुति वैन चल रही है लगभग 1000, उन सबको परसों 13 तारीख को RTO द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया, कोई भी वैन स्कूल में बच्चों को लेकर नहीं जाएगी। तो हम सबको लगा के भाई देखो 1000 वैन चलने का मतलब है कि एक वैन से लगभग 10 परिवार पलते हैं और वो 10,000 आदमी भूखों मरेगा। हमने उनसे कहा साहब ये निर्णय, तो उन्होंने कहा कि भाई कोर्ट में एक पिटीशन लगी है तो उसमें कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि आप ओवरलोडिंग कोई भी वाहन न चलने दें, लेकिन ओवरलोडिंग न चलने दें प्रतिबंध न करें। अब उनका कहना ये है कि भाई आप पे परमिट नहीं है, तो हमने कहा हमें परमिट दे दीजिए आप चलाने के लिए। जैसे ऑटो में नगर निगम का परमिट है लेकिन उसमें आपने 5 बच्चे लागू कर दिए, यानी कि बच्चों का संचालन कर सकता वो शहर का परमिट लेकर, हमें भी आप शहर का परमिट दे दो हम भी बच्चों का संचालन कर लेंगे। तो वो उन्होंने कहा हम कर देंगे लेकिन उसके लिए आपको न्यायालय जाना पड़ेगा क्योंकि न्यायालय का ही आदेश है और न्यायालय में आपको चैलेंज करना पड़ेगा इस आदेश को। तो आज हमारी RTO साहब और कलेक्टर साहब, SP साहब से चर्चा हुई है। शहर में अग्निकांड की स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम फायरबॉल खरीदने जा रहा है। फुटबॉल के आकार के ये फायरबॉल अग्निकांड की जगह पर आसानी से फेंका जा सकता है। फायरबॉल की भारी परत 11 mm की PVC की रहती है जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक के तापमान के संपर्क में आते से ही फट जाती है और इसमें भरा नॉन टॉक्सिक अमोनियम फास्फेट बिखर कर 100 वर्ग फीट तक क्षेत्र की आग बुझा देता है। इसकी कीमत 1500 रुपये के लगभग है। अभी इसका उपयोग देश के पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात में हो रहा है। यह फायरबॉल उन स्थानों पर इस्तेमाल की जाएगी जहां फायरमैन नहीं पहुंच सकते। नमस्कार और अब हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव।